तो गाइस आज के वीडियो आप लोगों के लिए एक फूड ब्लॉगर जैसा होगा। तुम्हारी सिस्टर बना रही है फ्राई राइस, तो ये देख सकते चावल है और यहाँ भगोले में तेल वगैरह डाल दिया गया है। तो ये हमारा मिर्च है, लहसुन है, बीन्स है, प्याज है, मटर भी है और उपचार इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और यहाँ पे दो तीन मसाले हैं और एक ये हल्दी है जो देसी हल्दी है हमारे यहाँ की, ये भी मसाला है खुली मिर्च टाइप का, और ये भी है धनिया है, धनिया पाउडर है। और यहाँ पे आप लोग चावल राइस देख सकते हैं हमारे रेडी हो चुका है उबाल के, और वहाँ से भी और मसाले निकाला जा रहा है। यहाँ पे अपना तेल गर्म हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो हमारी सिस्टर का नाम है अन्नू, तो ये बना रही है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं। तो ये देखिए और भी वैरायटी का मसाला निकल चुका है हमारे यहाँ। मैं जो जो बोलूंगी फकराना, ठीक है? ठीक है। तो ये है जीरा, ये है जीरा डल चुका है और ज्यादा जा रहा है तेल में, निकल तेल गर्म हो गया ना, जीरा ज्यादा जाता है। तो अब क्या डाला जाएगा वो देखते हैं हम लोग। इसकी हाइट छोटी इसीलिए देख सकते हैं गाइस ये पीढ़े पे है, तब भी हम लोग के बराबर नहीं हो पा रही है। तो इधर ये लहसुन गया, फिर प्याज जा रहा है, ये देख। अब ये लाल होने के लिए रेडी हो चुका है, ये लाल होगा तब जाके। और भी तरह के मिर्च हो गया, बीन्स हो गया और मटर है, टमाटर है, ये सब जाएगा और ये भी मसाले बाद में जाएंगे। तो अब जाने वाला है हरा मिर्च। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तेज पत्ता वगैरह निकल गया, तो ये भी इसमें डाला जाएगा। मेरे यहाँ ये फेवरेट है, मैं हर डे इसमें डालती हूँ इसको। ये क्या है, गरम मसाला? गरम मसाला नहीं है, गोल मिर्च है, इसको काली मिर्च बोलते हैं। अच्छा। और ये है इसको क्या बोलते हैं, लौंग। ये सब जरूरी है तो एकदम फ्रेश। तो इधर हमारा तेल में गरम हो रहा है, प्याज है जो भी है सब कुछ। मेरे हाथ में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। इसे जो थोड़ी सी तो लगी, थोड़ी मसाला लास्ट में होगा, ये लास्ट में जाएगा मसाला। ये मिर्च डालना, पहले प्याज तो डालना है, पहले प्याज ला रहे हैं, साथ दिखाते हैं आपको। तो इसे थोड़ा सा अलग कर लिया जा रहा है। अभी टमाटर भी जाएगा जो कि ये खट्टेपन का स्वाद आएगा तो और अच्छा लगेगा। धनिया का पत्ता नहीं है, धनिया का पत्ता है नहीं है। तो ये हमारा हरा मटर जा रहा है और साथ में बीन्स भी है। बीन्स मतलब बट वैसे तो बीन्स भी बोलते हैं, बट ये गोरा मिर्च थोड़ा लाल हो जाएगा, अभी ये भी अलग जा रहा है शिमला मिर्च और थोड़ी सी मटर और थी। तो ये भी रेडी होने वाला है, लाल हो जाएंगे। तो कभी पत्ते के 5 मिनट लगेंगे, ये पक जाएगा, फिर उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे, नमक डालेंगे। इसको ढाक दिया जा रहा है कि ये जल्दी पक जाए, और हमारा उधर राइस तो रेडी है ही है, और इधर टमाटर भी अभी जाएगा, थोड़ा सा खट्टापन के लिए अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। जैसे एवरेस्ट मसाला का आता है स्वाद तो वैसा आएगा। तो व्लॉग में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों हमारा ये रेडी हो चुका है, हम लोग तो धनिया का हरा पत्ता लास्ट में डालेंगे जो कि स्वाद लाएगा। गाइस हमारा टमाटर भी अब इसमें डाला जाएगा, नमक डाल देते हैं।
वाइट टमाटर के ऊपर नमक भी जाने वाला है जब ये पक जाए अच्छे से। बाकी तो चावल अपना रेडी ही है। कब तक निकाला जाएगा? 5 मिनट। और कब तक बन जाएगा? 10 मिनट। बस 10-15 मिनट लगेगा। क्या करना है इसको, बस पका के चावल को डालकर 5 मिनट चलाना है, धनिया डाल। तो अभी ये रेडी होने में थोड़ा 10-15 से 20 मिनट लगेगा। रेडी हो जाएगा अच्छी तरीके से तो आप लोग को टेस्ट करके बताएंगे कैसा लगा। और आप लोग भी ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा जो जो हम लोग ने बनाया है, जो जो डाला है। और ज़रूर मेरे भाई को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा और जितनी हो सकती है उतनी शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो बाय अभी के लिए। तो गाइस में थोड़ा सा पाउडर डाला जाएगा मिर्च का, तभी तो थोड़ा चटपटा लगेगा। बस बहुत है, थोड़ा सा कुटी धनिया है पीसी हुई, बस बाकी तो अभी ये सब रही है। हल्दी तो नहीं डाला जाएगा यार। तो अभी ये रेडी हो चुका है थोड़ा बहुत। अभी तो मसाला वगैरह तो बाकी चला जा रहा है हमारा। फ्राइड राइस मसाला है, 3 पुड़िया मसाला है, 2 ये गया। ये डालने से टेस्ट चेंज हो जाता है ना। हाँ, और इसको जब भी डालो तो आखिरी में डालो, जब चावल डालना हो तब डालो, क्योंकि स्वाद आए। हाँ, तभी इसका टेस्ट पता चलेगा कैसा लगता। अब महक आएगी बहुत बढ़िया, आप लोगों को सूख नहीं पाएंगे। पर आप लोग जरूर ट्राई करिएगा अपने घर में फ्राइड राइस। गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है जो कि ये थोड़ा सा लथपथ टाइप का हो जाएगा तो और बढ़िया लगेगा। ग्रेवी बढ़िया तैयार हो रही है। तो दोस्तों अब जा रहा है इसमें, इसका कलर तो और बढ़िया हो गया है। अब इसमें जाएगा राइस, ये चावल डालना है। ये चिकन होता और भी अच्छा लगता है ना। तुम्हें? मैं नहीं खाता, मेरा भाई खाना ही छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम खाते हैं, हम तो बनाएंगे। हम लोग इतना ज्यादा क्यों बना रहे हैं आप सबको पता है, क्योंकि हमारे घर में काफी सारे लोग हैं। हमारे भाई तो बड़ा अच्छा था तो भी कुछ गेस्ट भूखे हुए हैं। तो आप लोग ने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, अमित भाई का परीक्षा वाली, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो लिंक, तो जरूर जाइएगा देखिएगा, क्योंकि यार मस्त है अमित भाई अपना। उसकी शादी होने वाली है, पर अभी नहीं होगी, 2-2.5-3 साल बाद होगी। अब पता नहीं, देखो कब होती है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं रेडी हो रहा है, जिसका कलर देखिए, कलर चेंज हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस बस ये मुश्किल से 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा, फिर हम खाने के टाइम दिखाएंगे। फाइनली अगर बन जाएगा तो दिखाएंगे ही, खाने के टाइम भी दिखाएंगे कि कैसे खाते हैं, कितने मजे से खाते हैं। अभी तो देखना, कुछ लोग बेइज्जती करेंगे कि अच्छा नहीं बना है, अच्छा होगा फिर भी बोलेंगे अच्छा नहीं बना है मुझे चिढ़ाने के लिए। अब तब से हम थोड़ा 5 मिनट मिक्स होता है तब तक हम टमाटर धनिया का पत्ता काटते हैं। बस ये हमारी धनिया, तो इसे कट करते हैं अभी। तो गाइस इसे अभी ढक दिया गया है, तो अभी इसको लगेगा 5-10 मिनट, तो इधर तब तक अपना धनिया वगैरह कट कर लेते हैं। अपना धनिया भी रेडी हो चुका है तो इसमें डाला जाएगा। तो गाइस इसे मिक्स अच्छी तरह से कर दिया गया है, अभी ये रेडी है। तो फिलहाल अब धनिया डालते हैं इसमें। तो ये रेडी हो चुका है अपना, अब गैस बंद और थोड़ी देर के लिए इसे अब भाप से पकने देंगे इसे, और फिर हम
तो भाई इसको नीचे रखा जा रहा है अभी, एकदम बेहतरीन बना है। तो गाइस ये एकदम पूरी तरह से पक चुका है और रेडी है चेक करने के लिए कैसा बना है ये। तो गाइस अब पहले प्लेट में निकालते हैं ये वाली। तो गाइस हमको तो लगता है बहुत बढ़िया बना होगा ये, थोड़ा और देना तो बस। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोगों का निकल रहा है, देख लीजिए कितना सारा है यहाँ पे। तो अब सोच लीजिए कितने लोग होंगे यहाँ पे। तो बहुत तगड़ा बना है, एक बार ट्राई करते हैं कैसा बना है अपना फ्राइड राइस। तो भाई ये हमारा फ्राइड राइस, तो इसे टेस्ट करते हैं कैसा बनाया है अन्नू ने। बहुत बढ़िया बना है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा अपने घर में की। भाई यार खा लो यार, बहुत बढ़िया बना है तो क्या करूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा घर में अपने, ये सब जो जो हम लोग ने डाला है बनाया है भाई। तो आज फूड ब्लॉगर वाला वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, और अन्नू के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। भी लगा है, मम्मी को नहीं लगा।